मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटावन परिक्षेत्र के करकोई प्लांटेशन की गड़बड़ी मामले में वन मंत्री उमंग सिंघार के निर्देश के बाद भोपाल मुख्य वन सचिव एचएस मोहंता की अध्यक्षता में करकोई प्लांटेशन की पुनः जांच शुरू हुई है। भोपाल से आए अधिकारियों के साथ दमोह जिला वन मंडल के कई अधिकारी करकोई प्लांटेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांटेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों की माने तो यहां सागौन के पौधों का चयन विभागीय भूल थी, जिसके बाद पौधों को नुकसान हुआ है। साथ ही स्थल सीमांकन सहित प्लांटेशन से जुड़े दस्तावेज तलब किए गए हैं, जिसकी जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्यवाही तय होगी। प्लांटेशन आगामी 5 सालों तक निगरानी में रहेगा। एक्सटेंशन पाइट। एक विधानसभा के प्रश्न के संबंध में यहाँ पर एक खसरा नंबर 2 में वृक्षारोपण जो किया गया था 2017 उसके निरीक्षण के संबंध में ही यहाँ पर आए थे। तो वृक्षारोपण से संबंधित जितने भी जो कार्य होते हैं हमारा, उसके लिए प्लांटेशन जनरल जिसको हम कहते हैं उसमें सब लिपिबद्ध रहता है। कौन सा समय पर जो जो भी कार्य किए गए हैं उनका भुगतान का समय सारणी क्या है पता के सब रहता है। और क्षेत्र का भ्रमण किया, देखा मिश्रित प्रजाति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि पौधों का चयन करने में सागौन प्रजाति अपेक्षा अनुरूप हमें उतना सफलता नहीं मिली है। तो आगामी वर्षों में हमारा जो कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट के तहत जितने भी हम पौधों को लगाएंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र के लिए स्थानीय क्षेत्र में जो भी पौधे सफलता के साथ जीवित रहते हैं तो वैसे पौधों का ही वो चयन करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और एक अच्छा वृक्षारोपण के रूप में इसको शामिल करेंगे।